ऐसे बोल रहा है। दो माध्यम दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देते, एक साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा का है और एक अव्यक्त माध्यम है, वही संपूर्ण रूप है उसका। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा मुरली के अंदर कई बार आता है, जब सृष्टि पर शिव बाबा आते हैं तो पहले सूक्ष्म लोक की रचना करते हैं, डायरेक्ट नहीं आते। सूक्ष्म लोक पहले नहीं है, संगम पर ही मर्ज होता है, हैं तीन लोग सदा ही, लेकिन वही लोग का ज्ञान है, साकारी लोग और निराकारी लोग, आत्माओं की दुनिया और ये हमारे पार हो जाने की दुनिया। लेकिन जब उस निराकार शिव बाबा को आना होता है तो आने के पहले वो सूक्ष्म लोक की रचना करते हैं, क्योंकि उनको तीन काम करने हैं, स्थापना पालना विनाश, तीन कार्य करने से ब्रह्मापुरी, नीचे ब्रह्मापुरी दिखती है, फिर उसके ऊपर विष्णुपुरी, उसके ऊपर शंकरपुरी, तीन पुरियां वतन में इमर्ज होती है। अब उस इमर्ज हुई पुरी के अंदर ब्रह्मा का जो रूप है, अव्यक्त रूप, संपूर्ण रूप, उस तन में शिव बाबा आता है और उस तन में आकर के फिर परकाया प्रवेश, यहाँ पर साकार रूप अकेले नहीं आता, बुजा दादी तन में बाप दादा आता है। बाप दादा भी कैसे आएगा, शिव बाबा अकेले भी आ सकता है, शिव बाबा के तन में अकेले भी आता है। मैं अव्यक्त वतन में संपूर्ण ब्रह्मा की आत्मा को इमर्ज करता हूँ पहले और फिर दोनों को लेकर साथ में दोनों आता हूँ, ये प्रवेश करता हूँ। ये राज बहुत गहरा है, समझना और अनुभव करना हो तो आपको भी लाइट की ड्रेस पहनना पड़ेगा, मिट्टी की ड्रेस से अनुभव नहीं होगा।